ये चीजें करती हैं हड्डियों को खोखला। पांचवी तो लड़कियों के लिए है जहर जैसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर। नंबर एक, पालक। बेशक हरे पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, लेकिन पालक, चुकंदर के साग और कुछ फलियों में ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होती है, जो कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित करती है। और यही वजह है कि आपको पालक जैसी सब्जियों का बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर दो, कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड और फास्फोरस पाया जाता है, जो हड्डियों को खोखला बना देता है। अधिक मात्रा में खाया गया चॉकलेट भी हड्डियों को कमजोर कर सकता है। इसको खाने से शरीर में शुगर और ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कैल्शियम शरीर में अवशोषित नहीं हो पाता और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। नंबर तीन, व्हीट ब्रान और दूध। यह कॉम्बिनेशन सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन दूध का व्हीट ब्रान के साथ सेवन करने से आपके शरीर में कैल्शियम कम होने लगता है। वैसे आप कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट ले सकते हैं। नंबर चार, नमक और शराब। शराब पीने से शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है, जो हड्डियों की कमजोरी का कारण बनती है। ज्यादा मात्रा में नमक का इस्तेमाल करने से हड्डियां कमजोर हो जाती है। दरअसल नमक में सोडियम होता है, जो शरीर में जाने के बाद कैल्शियम को यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है। नंबर पाँच, चाय और कॉफी। चाय और कॉफी का ज्यादा सेवन करने से भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसमें मौजूद कैफीन हड्डियों की सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।